आ गए इमरान भी। चलो मैं एक मिनट बस स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा आज का जो टॉपिक है, आज हमने दो क्वेश्चन बेसिकली कवर करने हैं। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं पीटीई जो लिसनिंग के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन इंतहा सिंपल क्वेश्चन है। होता क्या है कि लेट सपोज हम एक छोटी सी अगर एग्जांपल सेट कर लें कि हमने एक बना लिया कि दिस इज माई एंड आई एम लिविंग हेयर फ्रॉम लास्ट फाइव, ठीक हो गया। आई फाउंड दिस वेरी नाइस। अब लेट सपोज हमारे पास एक ऐसा पैसेज आ गया और वो पैसेज क्या है, हमारे सामने पैसेज लिखा हुआ लेकिन उसके अंदर साथ साथ क्या है, कुछ ना कुछ ब्लैंक्स हैं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन का बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का थीम क्या है, क्वेश्चन वर्क कैसे करता है। अब होगा क्या कि आपके पास होंगे 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स के बाद जैसे ही आपको नजर आएगी सामने, 5 सेकंड्स के बाद आपकी रिकॉर्डिंग चल जाएगी। आप लोगों ने हेडफोन लगाए होंगे, रिकॉर्डिंग में बोल रहा होगा दिस इज माई हाउस एंड आई एम लिविंग हेयर फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। जो भी ब्लैंक्स हैं वो ब्लैंक्स के बारे में वो रिकॉर्डिंग में बोलेगा। आपने क्या करना है, जो वो बोल रहा है उसके मुताबिक आपने ये फिल करने, वो जैसे वो कहता है दिस इज माई हाउस एंड आई एम लिविंग हेयर फ्रॉम लास्ट 5, आगे ये ब्लैंक आगे वो लिखता है 5 ईयर्स। तो आपका करोगे इधर ये लिख दो आई फाउंड दिस वेरी नाइस, क्या लेट्स सपोज कहता है आई फाउंड दिस कंट्री वेरी नाइस। तो जो भी ब्लैंक्स वाली चीजें हैं वो स्पीकर बेसिकली स्पीक करेगा, वो बोलेगा और आपको वो पिक करके जो भी ब्लैंक्स हैं उन ब्लैंक्स के अंदर वो वर्ड्स को फिल आउट करना। समझ आ रहा है कि फॉर्मेट क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इजी सा फॉर्मेट है, ठीक है, कोई इतना है नहीं। अच्छा अब बात ये होती है कि हम इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, ठीक है। तो इसके हमें आएंगे 2 क्वेश्चंस, ठीक है। और हमें नंबर कैसे मिलेंगे, ईच ब्लैंक जो कि हर क्वेश्चन के अंदर होगी, ईच ब्लैंक विल गिव अस 1 मार्क। तो ऑन एवरेज ईच क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो ईच क्वेश्चन के अंदर हमारे पास तकरीबन 4 to 5 blanks होती हैं, ठीक है। तो इट मींस के ईच क्वेश्चन हमें आप कह लो 5 × 2 = ईच क्वेश्चन हमें सॉरी 1, इसका मतलब है हर क्वेश्चन तकरीबन हमें 5 मार्क्स दे सकता। और अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास तो हमें इस क्वेश्चन से तकरीबन 10 मार्क्स मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। लिहाजा इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा रेट किया जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप पूछ लें, पर फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें अगर हम स्कोरिंग की बात करें कि इसमें स्कोरिंग कैसे होती है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, ठीक हो गया। और लिसन करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर हमें इस क्वेश्चन में लिसनिंग के मार्क्स मिलेंगे और राइटिंग के मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हम पहले एक रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम लिखेंगे नहीं। इट मींस कि हम सुनेंगे तो सुनने का भी हमें मार्क मिलेगा और उसके बाद हम राइट करेंगे तो हमें राइटिंग का भी मार्क मिलेगा। जी बिलाल या इमरान कुछ पूछना है यहाँ तक, ठीक हो गया। अच्छा अगली चीज क्या है कि अब ये टेक्निक कैसे हम लगाएं कि सर कैसे करें। आप लोगों का काम क्या होगा, जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होगी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना आई का जो पॉइंट है वो इसके ऊपर रखना है कि दिस इज माय हाउस, ठीक है। एंड साथ ही आप लोगों ने शुरू कर देना है, ठीक है। और आप लोगों ने लेफ्ट से राइट की तरफ देखते जाना है, जैसे जैसे पैसेज के अंदर रिकॉर्डिंग चलती जाएगी आप लोगों ने साथ साथ चलते रहना, ठीक है। अब लेट्स सपोज वो बोलता है और बोलने के साथ साथ ब्लैंक आ गए, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप हाउस लिख रहे हैं, ठीक है, और जब आपने सर हाउस लिखा, जब आपने सर उठाया तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे पहुंच गई, क्या करें।
ऐसा ही है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आप पूरा हाउस ना लिखें, आप बस ये लिख दें कि आपको बाद में याद रहे। हाउस लिखने की बजाय आप सिंपल कर लें कि ऐसे कुछ भी, प्रॉपर स्पेलिंग देखने बैठ जाएंगे तो फिर आपको पता नहीं लगेगा कि स्पीकर किस लाइन में ऑलरेडी जा चुका है। तो वो नोटबुक पे भी नोट डाउन कर लें तो जी, आप नोटबुक पे भी नोट डाउन कर सकते हैं ऑप्शंस को, लेकिन ये जो टेक्निक है ये इतनी प्रैक्टिकल नहीं प्रूव, ठीक है? तो बेटर ये होता है कि आप उसके साथ साथ ही लिखते जाएं। अगर आपने नोटबुक पे लिखना है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है? दोबारा ये मैं टेक्निक मैंने आपको बता दी है, ये ओपन एंडेड है, ये आपके ऊपर रहेगा कि आप किस चीज से किस तरीकेकार से बेहतर लिख पाते हैं, ठीक है? हम एक काम करते हैं, हम एक दो एक्सरसाइज को देखते हैं कि उसमें जो है वो कैसे काम हो रहा है। इसके लिए टाइम सर कितना गिवन होगा? इसके लिए टाइम जो है वो टाइम का कोई इसमें नहीं है, इसमें यह है कि जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होगी तो आपके ऊपर चॉइस, आप जब तक आंसर सही लिख लेंगे उसके बाद आके चलेंगे। लेकिन अगर आपको फ्राइडे वाले दिन याद हो तो मैंने आपको कहा था कि लिसनिंग के अंदर पहले दो क्वेश्चंस के अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमने खुद टाइम मैनेज करना है। और आपको याद है जब मैंने आपको कहा था कि आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए एटलीस्ट 5 मिनट रखने हैं? यस सर। तो इट मींस के बाकी क्वेश्चंस के अंदर हम जब तक रिकॉर्डिंग चल रही है तब तक ही टाइम लें, उसके बाद टाइम ना लगाएं। इसमें जरा देखते हैं। As it ages, white paper turns a distinctive yellow. But why? To find out, scientists artificially aged modern paper to reveal the changes on the molecular level. The research is in the journal. शो नहीं कुछ भी हो रहा। For 48 days, 3 unbleached paper samples aged rapidly in reactors that simulated different environmental conditions. The researchers then compared the artificially aged samples to the real deal. 3 pieces of paper crafted in 15th century Europe. This technique allowed them to gauge the types and amounts of changes going on. About 90% of the weight of old paper is cellulose, the sturdy material that makes up plant cell walls. But over time, cellulose fibers oxidize. The process modifies parts of various molecules and turns them into what are called chromophores, which absorb light. White paper is white because it reflects all colors of light. Aging paper filled with chromophores reflects wavelengths that make it look yellow. The non-destructive technique used in this study could inform research to preserve and even whiten ancient texts and art and give paper conservation a brighter outlook. अच्छा आप देखो, let's suppose आपके पास ये पैराग्राफ है, ठीक है? सर शो नहीं हो रहा कुछ भी। अच्छा शो नहीं हो रहा। अब हो रहा शो? यस सर, अभी नजर आ रहा। आपके पास ये स्क्रीन आई, ठीक है? स्क्रीन शो हुई, 5 सेकंड के बाद रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ठीक है? अब आपने देखना है कि जो पहली ब्लैंक है वो बड़े पास है, इट मींस कि जैसे ही वो बोले तो आपने पहली चीज तो ये इस पे क्लिक कर लेना, ठीक है? ताकि आप कुछ भी करो तो आप लिख सको, टाइप कर सको, ठीक है? क्लिक करने के बाद जैसे वो बोला कि एज इट एजेस व्हाइल अ पेपर टर्न्स अप, जो भी उसने बोला वो हमने इसमें लिख दिया, जैसा भी लिखा हमने, इतने स्पेलिंग लिखने हैं कि हमें क्लियर हो जाए, ठीक है? लेकिन आप देखो कि अगली जो ब्लैंक है वो अभी थोड़ी सी दूर है ऐसे, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम इसमें आंसर लिख दें, पहली चीज। दूसरी चीज आपने क्या ज़हन में रखनी है कि लेट्स सपोज ये अगर ब्लैंक है ना, तो आप वेट करो कि स्पीकर इस पे कब आ रहा है, फॉर 48 डेज। जी वो ठीक है, अब वेट करो, जैसे ही वो इधर आए इसका मतलब है टेंटिव हो, जब स्पीकर बोलने लगा 3 unbleached पेपर सैंपल्स, जैसे उसने सैंपल्स बोला तो मैंने यहां तक वेट किया कि आ जाए, तो उसके बाद मैं टेंटिव हो गया। उसके बाद जब मैंने सैंपल्स लिखा तो वो ये बाकी लाइन बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा वो 3-4 वर्ड पहले जो है ब्लैंक से, मैं देखता हूँ कि वो 3-4 वर्ड पहले कब बोलने लगा, जैसे ये द रिसर्चर्स देन कंपेयर्ड द, तो मैं साथ ही क्या आ गया, मैंने यहाँ क्लिक कर लिया ब्लैंक के ऊपर ताकि अगर मैं टाइप करूं तो लिखा जाए, और मैंने इन वर्ड्स को देखा, जैसे ही उसने ये वर्ड्स बोले तो साथ ही मैं अटेंटिव हो गया कि वो ब्लैंक वाला बोलने लगा। ठीक हो गया। इस लाइन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप देखें तो दोनों दो ब्लैंक्स हैं जो कि एक ही लाइन में है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। अगर दो ब्लैंक्स एक दूसरे के पास पास हैं
तो हो सकता है कि जब आप एक ब्लैंक लिखें आंसर और जब आप सर उठाएं तो उस टाइम तक स्पीकर जो है वो दूसरी ब्लैंक भी बोल चुका हो। तो उसमें आपने क्या करना है कि कोशिश करें बस बिल्कुल हल्की सी चीज, चाहे नोट कॉपी पे कर लें या चाहे लिख लें, सिर्फ हल्की सी हिंट लें और वेट करें जब वो दूसरी बोले तो उसके बाद दोनों आप इकट्ठी ही लिखें। मतलब कि वरना क्या होगा, अगर आप एक लिखने लग जाएंगे तो फिर दूसरी मिस हो जाएगी। इसी तरह इसके अंदर भी वही है, इस लाइन में भी, कि दो ब्लैंक्स इकट्ठी हैं तो ये आपके माइंड के ऊपर है कि आया कि आपने लिखा नहीं लेकिन आपको याद रहा कि इसमें उसने क्या बोला और आपने कहा कि मैं वेट करके दूसरी जो ब्लैंक है वो एक दफा बोले तो फिर दोनों इकट्ठे ही लिखता हूं। या अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो साथ ही लिख लें, टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, रेफरेंस के तौर पर पूरा वर्ड नहीं लिखना तो थोड़ा बहुत वर्ड इधर लिख लें और दूसरी ब्लैंक के बोलने का वेट करें। या फिर अगर आप जबानी याद रख सकते हैं तो पहली ब्लैंक को जबानी याद रख लें, जब वो दूसरी बोले तो फिर दोनों इकट्ठी लिख लें। तो ये आप जितना टेस्ट करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको चीज आपके जहन में आएगी कि हमने कौन सी टेक्निक के थ्रू काम करना। एक कर लें सर अभी। हाँ जरूर। चलें अब ये वाली है, ठीक है, स्क्रीन पे नजर आ रही होगी आपको। Does an ice cold drink actually taste better than the same beverage at room temperature? Depends on what its taste is. A new study finds that the intensity of some flavors varies with temperature. The word is in the journal Chemosensory Perception. Researchers took solutions that tasted bitter, sour, sweet, or astringent, a flavor found in legumes. अभी अभी अगली दूर तो मैं साथ ही solutions कर रहा हूँ। और अब मैं क्या करूंगा, मैं ये चीज के ऊपर आ गया हूँ, सोल्यूशन टू 35 डिग्री को कब बोलता है। अब मैं आऊंगा एंड एस्ट्रोजन सॉल्यूशंस पे। Tasted stronger at warm temperatures and the intensity lasted longer than it did with chilled drinks. Bitter flavors came through best when chilled and temperature had no effect on perception of sweetness. For most people, temperature can enhance flavors, but for some, dubbed thermal tasters, temperature alone can be a flavor. Heating or cooling parts of the tongue creates the sensation of taste without food, a finding that's hard to swallow. अब सब देखो, एक तो ये कि ये perception था, मैंने उसकी spelling गलत लिखे, और अब अगर आप ये देखो तो ये मेरे से दो miss हो गई हैं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब ये डिग्रीज उसने बोला तो मुझे प्रॉपर वर्ड के लिए वेट नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे इसे लिख लेना चाहिए था। लेकिन जब मैंने प्रॉपर लिखा और जब मैं इधर आया तो मैंने देखा कि वर्ड तो ऑलरेडी में वो बोल चुकी है। यस सर। ऐसा ही है जी। और बिलाल ये बहुत इजी है, टेंशन ना लो। नहीं सर, ये तो मैंने पहले भी की हुई है, इजी है, ये तो हो जाएगा, ये मसला नहीं मेरे लिए, मैं पहले भी प्रैक्टिस कर चुका हूं। क्या बात है, फिर तो कमाल है। फिर तो आपको मुझे सिखाना चाहिए कि सर आप क्यों मिस कर रहे हैं। नहीं सर, तो ऐसे कह रहा हूँ कि ये मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस की है, ये मसला नहीं मेरे लिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपने एक चीज का जहन में रखनी है, वो ये है कि अब ये नई चीज क्या करते हैं, ये बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा डालते हैं। बैकग्राउंड नॉइज से मुराद ये है कि एक रीडिंग चल रही है ना, तो उसी के अंदर ये थोड़ी सी, थोड़ी बहुत ना एक नॉइज भी क्रिएट करते हैं बैकग्राउंड में, आपको सिर्फ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन उससे आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है जी। और आपने जो स्पीकर बोल रहा है बस उसी के ऊपर कंसंट्रेशन रखकर सुनना जी सर। कोई इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसके इलावा कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें इसके पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ठीक है सर, इसमें क्लियर ऑलमोस्ट। और पक्की बात है सर? अच्छा, सही हो गया। आप मुझे जरा 2 मिनट देते हैं, हम नए क्वेश्चन को शुरू करें। यस सर।
अच्छा चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग है। उस क्वेश्चन का नाम है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा ये हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स इसमें क्या है? सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इस ये जो क्वेश्चन है जो आज हम दोनों कर रहे हैं, ये लगने को बड़े आसान क्वेश्चन और ये हैं भी आसान, लेकिन अक्सर औकात स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वो उसको ना इजी लेकर इसमें विदाउट एनी रीजन मिस्टेक्स कर देते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम अगर एक वो लें कि एक पैसेज अगर बनाए कि टुडे, ठीक है जी, आई एम टीचिंग टू मिस्टर बिलाल हु इज अ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट, ओनली इश्यू इज ही वॉज extremely happy on Eve, that's why he ate a lot of meat that he couldn't know whether today is Monday or Sunday. Let's suppose अगर हमारे सामने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है जी, और अब स्पीकर क्या बोल रहा है? अब आपने मुझे बताना है कि जो मैंने बोला है और जो लिखा है उसमें क्या गलती है। Today I am teaching Mr. Bilal, who is a extremely obedient student. Only issue is he is extremely happy on Eid. That is why he ate a lot of meat that he cannot know whether today is Monday or Sunday. अब आप मुझे बताएं, मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो कि इसमें नहीं लिखे हुए हैं, इसके इस कुछ और मतलब के डिफरेंट लिखे हुए हैं। यस सर, इसमें आपने टू नहीं बोला, टीचिंग टू मिस्टर बिलाल आपने ये स्किप किया, उसके बाद आपने एक्सट्रीमली लिखा है। वेरी की जगह उसके बाद आपने वाज मिस किया, ओनली इशू ही वाज मिस किया, उसके बाद आपने इधर कुडंट की जगह पता नहीं क्या बोला आपने, ठीक है। अच्छा तीन से चार ऐसा ही है। अच्छा इसमें दो चीजें हैं, एक पहली चीज तो ये है कि स्पीकर ना कोई वर्ड मिस नहीं करेगा, वो बोलेगा जरूर वर्ड, लेकिन वो वर्ड एम है ना जैसे इधर लिखा हुआ, वो एम की जगह वॉज बोलेगा। यस सर। तो आपने क्या करना है, एम के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एम हाईलाइट हो जाएगा। सही होगा, ठीक हो गया। अच्छा दूसरी चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि इस क्वेश्चन में ये आपको दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक हो जी, और इसके अंदर भी जो ईच वर्ड, जो ईच आप वर्ड है ना, ईच वर्ड आपको क्या करेगा, एक मार्क दे देगा, ठीक है। और ईच क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ईच क्वेश्चन में हमारे पास तकरीबन 4 to 5 वर्ड्स होंगे जो कि इनकरेक्ट होंगे, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप ये कह लो कि ईच क्वेश्चन में हमें 5 मार्क्स होंगे, और अगर ऐसे दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो टोटल ये क्वेश्चन हमें 10 मार्क्स दे देगा। सही होगा, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अगली चीज ये है जो बहुत ज्यादा समझने वाली है, इस चीज के अंदर है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्यों है, वरना तो बच्चे का करें कि सारे के सारे पैसेज को हाईलाइट कर दें, ठीक है जी। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, लिहाजा होगा क्या कि लेट सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि एक वर्ड है टीचिंग, ठीक है, इसी तरह एक वर्ड है टीचिंग हो गया, अब हम एक सादा रखते हैं, लेट सपोज कि सही आंसर थे टीचिंग और बिलाल, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, मैंने टीचिंग तो लगाया लेकिन मैंने बिलाल की, बिलाल मुझे लगा कि बिलाल हो सकता है, लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने टू लगा दिया, बिलाल नहीं लगाया, गलत कर दिया। ठीक है, अब जी होगा क्या, टीचिंग के ठीक लगाने की वजह से मुझे +1 तो मिल जाएगा, लेकिन मैंने साथ बिलाल नहीं लगाया बल्कि मैंने क्या लगाया, टू लगाया, जिसका मुझे क्या मिलेगा, -1, और मेरे ओवरऑल मार्क्स क्या बनेंगे, जीरो। जी और समझ आई बात की कि नहीं आई? यस सर, लिहाजा आपने आपने इसमें एक एक चीज का बस ख्याल रखना है, वो चीज क्या है आगे बताओ बिलाल। पहले। हाँ हेलो, जी जी सर, अच्छा आपने इसमें किस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपको किसी चीज का सही आंसर नहीं है कंफर्म, ठीक है, आपको नहीं पता कि ओबीडियंट लगाया है या नहीं लगाया, तो इंस्टेड के आप गलत ऑप्शन चूज करो, आप ऑप्शन चूज ना करो। उसकी वजह यह है कि सही ऑप्शन के आपको जितने प्लस मिले होंगे, जितने आप गलत आंसर लगाओगे उतने ही नेगेटिव भी ऐड होते जाएंगे। सही, तो जो स्किप कर देंगे। जी जो 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 स्किप, हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आप कुछ स्किप कर रहे हो ना, ठीक है, तो स्किप का भी -1 नहीं है। ठीक है, यानी जिसकी समझ नहीं आई हम उसको स्किप कर देंगे तो वो -1 नहीं होगा हमारा, वो ना 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 ऐसे मार्क नहीं, उसका जाहिर ही बात कटेगा, 0 ही उसका मिलेगा। तब भी मार्क कटेगा, लेकिन लेट सपोज सही था अलॉट, एक वर्ड में बता रहा हूं, ठीक है, अब इस अलॉट का आपको नहीं पता चला और उसकी आपने बेसिस के ऊपर ही और एड दोनों लगा दिए, तो होगा क्या कि ये -2 फिर कर देगा, क्योंकि दो वर्ड आपने गलत चूज किया ना। यस नेगेटिव मार्किंग दो तरह से है, अगर आप करेक्ट ऑप्शन नहीं लगा रहे तब भी, या अगर आपने इन करेक्ट लगाया तब भी नेगेटिव मार्किंग है। सही, यार जैसे हमने उसमें क्या था, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स में, ठीक यस सर। है, तो दी इसमें क्वेश्चन मेरा भी बस यही था कि फॉर एग्जांपल जैसे ये आपने लगाया अलॉट अलॉट के ऊपर, ठीक है, तो ये सेंटेंस मुझसे स्किप हो जाता है, मैं नेक्स्ट पे चला जाता हूँ, मैं कुछ भी इसमें से पिक करता ही नहीं हूँ, तो फिर भी नेगेटिव होगा, फिर भी नेगेटिव होगा, फिर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, वरना तो फिर हो क्या के आप जो हो वो कोई ना कुछ चूज ही ना करो, तो ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, मैं एक सही। आप एक एक मिनट रुको, मैं एक मिनट, मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैं ये चीज कंफर्म भी कर देता हूँ आपको, आप मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपने बेसिकली रेस किया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम सलाम, क्या क्या पढ़ा रहे हैं बिलाल आज सर? मैं तो यार नेट का इधर इशू है, लाइट चली गई थी, अभी कनेक्ट किया सर, मैंने तो। दो क्वेश्चन ही पढ़े हैं, दूसरा तो अभी पढ़ रहे हैं, हाईलाइटिंग ड्रग समरी और दूसरा फिलिंग दी ब्लैंक्स है। फिलिंग ब्लैंक्स अच्छा। होंगी कि एक पैसेज होगा उसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स होंगी,
स्पीकर बोलेगा और हमने उसको साथ साथ में ना जो फिलिंग ब्लैंक्स हैं लिसन करके उनको हमें लिखते जाना बस। इसमें ये होगा तो ये तो मैं जो है ना वो वीडियो बाद में देखूंगा तसल्ली से ना। हाँ इजी है कोई इतना और नहीं मुश्किल है। सुनाए तैयारी शेर कैसी जा रही है? तैयारी अभी कर ही रहा हूँ। कल वो पोर्टल ओपन किया तो ओपन ही था और ना वरना मैंने वो टेस्ट वगैरह करने थे। कल उनका आज या कल मैसेज आया था कि हो गया वो सही? नहीं मैंने इसी तकरीबन 12 बजे कल मैंने ओपन किया था लेकिन नहीं हुआ। नहीं यार वो बोल रहा है मैं चेक किया ओपन हो रहा है। हाँ जी वो मैंने भी अभी किया सर से मैंने बात की कि सर वो मैं कल प्रैक्टिस कर रहा था करने लगा था तो वो नहीं ओपन हुआ। सर कहते नहीं ओपन हो चुका है। फिर मैंने कहा चले मैं कंफर्म करता हूँ। फिर मैंने ओपन किया तो वो ओपन हो गया। कब है इरादा क्या है मतलब कब से आपने टेस्ट बुक करवाना है कौन सी? सितंबर में इंशाल्लाह। सितंबर में गुड हो गया। मेरा भी वही एक प्लान था छोटा सा क्योंकि वो है कुछ चीजें जो क्लियर करने वाली उस पे थोड़ा सा फोकस ही ज्यादा चाहिए वो इंशाल्लाह कर सकते हैं। ऐसे वगैरह की आ गई समझ आओ। हाँ वो जो मसला आ रहा था सर ने वो क्लियर किया वो इंशाल्लाह नेक्स्ट करके दूंगा तो फिर देखते हैं क्या फीडबैक आता है। चलो जी मैम अस्सलाम वालेकुम वेलकम। थैंक यू सर। आप सिर्फ एक घंटा लेट है आपका मैं देख रहा था बार बार आप कोशिश कर रहे थे होने की शायद आपको कोई इशू था सिग्नल का। सर एक्चुअली आज ना लाइट नहीं है तो लैपटॉप बंद पड़ा हुआ है वो डायरेक्ट बैटरी नहीं है उसकी। अच्छा 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 सही। तो मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूं तो यहां पर जब लाइट नहीं होती नेट का भी थोड़ा इशू होता है। वो वीडियो होगी आई थिंक आज का हमने इतना मुश्किल क्वेश्चंस नहीं किए लेकिन फिर भी कोई आपको इश्यू होगा तो आपने मुझे बताना है ताकि मैं क्लास जो है वो 15-20 मिनट पहले स्टार्ट करके आपको जो इश्यू था वो क्लियर करवा लूं फिर आगे चलूं। ठीक है सर वो वीडियो मैं देख लूंगा। अच्छा बिलाल जो हम बात कर रहे थे इसमें हो गई ये मार्किंग का क्या क्राइटेरिया होगा मैंने दोबारा चेक कर लिया। देखें लेट्स सपोज एक ऑप्शन है जो कि आपने जिसको पर क्लिक किया और वो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन पे तो आपको मिलेगा प्लस वन। ठीक है आपने एक ऑप्शन करेक्ट क्लिक की जो कि थी इनकरेक्ट ठीक है उसके ऊपर आपको मिलेगा माइनस वन। लेकिन अगर आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने नॉट चूज नहीं किया तो उसके आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यही पूछना चाह रहा था जी। अब क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। तो वो तो ऐसे होगा ना अगर करेक्ट के साथ आपने एक्स्ट्रा कोई वर्ड कर दिया तो वो फिर नेगेटिव मार्किंग में वो कंसीडर होगा ऐसे ही बिल्कुल ठीक होगा सर। ठीक है बस यही कंफर्म तो ये चीज अब आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर करेक्ट आपने वर्ड हाईलाइट किया प्लस वन अगर आपने रॉन्ग वर्ड को हाईलाइट किया तो माइनस वन और अगर आपने एक करेक्ट वर्ड था और अगर आपने उसको चूज नहीं किया तब जीरो। जीरो तो जाहिर वो मिलना ही मिलना में जीरो उसका लेकिन ये होगा कि उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी मार्क। बिल्कुल ठीक है तो अब हम करते ये हैं कि हम एक दो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं सिर्फ देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जी सर। फिलिंग दी बैंक में सर ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है मोस्टली वो वही जो इनके साउंड्स है ना एस और ईडी साउंड्स। चलिए बाकी वो बाकी है। अच्छा आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए आपके पास 10 सेकंड होते हैं स्टार्ट होने में तो अभी होगा स्टार्ट। नो सर नहीं आ रही। आर्चरी द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ शूटिंग विद अ बो एंड एरो just plays an important part in English history, being the main weapon of a soldier.
and instrumental yes, sir, in many battles in wars with the French, with whom we seem to be constantly at war during the Middle Ages. The English favoured the longbow over the shortbow and the crossbow, the latter being the main firearm of militaries on the European continent. The crossbow fired a metal bolt released by a trigger, rather like a gun, and had the longest range of any of the bows. But the main advantage of the longbow was its accuracy. The importance placed on archery is illustrated by the fact that medieval kings in England encouraged the practice, and one of them, Edward III, went so far as to ban all sports on Sundays and holidays except archery. Because there were no standing armies in those days, and in the event of war, rulers had to call on the populace, everything was done to make sure there were large numbers of competent, if not expert, archers to recruit. अच्छा एक तो था मेजर, ठीक है, एक कंटिन्यूसली था, फीदर्ड उसने फीचर की जगह बोला मिलिटेंट्स, तो इस चीज पे हम आते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है ना कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है. यस सर, ठीक है. अच्छा अब लेट सपोज हम, होता यह है इस क्वेश्चन के अंदर भी कि यार वो बोल रहे हम एकदम से जो है वो हमें भूल गया, हम लॉस्ट हो गए कि यार वो कहाँ पे है, तो इसका भी इजी हल यही होता है. ये थोड़ा सा शायद मुश्किल हो, मेरे लिए आसान था प्रैक्टिस, क्योंकि मैं दोबारा यार उंगली रख के चलता था आर्चरी से, है ना, आगे तो मैं क्या करता था, एक हाथ में माउस होता था और दूसरे हाथ की जो उंगली होती थी वो मेरी स्क्रीन पे होती थी, और मैं स्क्रीन पे उंगली के साथ साथ जैसे ही वो बोल रहा है उसके साथ साथ मेरी फिंगर भी जो है वो लेफ्ट से राइट मूव होती है, और मैं देखता जाता हूँ कि कौन सा वर्ड है. इससे मैं लॉस नहीं होता. अक्सर का ऐसे होगा कि स्पीड तेज होगी, स्पीकर कभी अपनी आवाज ऊंची करेगा कभी नीची करेगा, अक्सर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ जाता है. इन तमाम चीजों का जो इजी सलूशन मैंने निकाला है वो यही निकाला है कि आपकी एक उंगली पैसेज के ऊपर हो जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हो, जैसे द इंग्लिश फीचर द लॉन्ग बो ओवर द शॉर्ट बो एंड द क्रॉस बो. तो आप होगा क्या कि आप लॉस नहीं होंगे, और ये नहीं कि यार आप लोगों ने 3 घंटे ही ऐसे ही रहना है. यार एक क्वेश्चन है खाली, एक क्वेश्चन, ये जो रिकॉर्डिंग है यार ये 30 सेकंड के लिए खाली चलनी है, तो 30 सेकंड के लिए जरा थोड़ा सा हिल लो और अपनी जो उंगली है उसको आप पैसे के साथ साथ ही चलाओ ताकि आप फुली कंसंट्रेशन के साथ सुन सको. और इस क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें पूरे नंबर यार आप लो कम से कम, मैं आप दोनों को कहूंगा. और उसका इजी हल यही है कि थोड़ी सी मुश्किल काटो, थोड़ा सा आपको बॉडी को जरा मूव करना पड़ेगा और उंगली स्क्रीन को पर रखनी पड़ेगी और लेफ्ट से राइट चलो, और एक हाथ में अगर माउस हो तो आई थिंक कोई इश्यू होना नहीं चाहिए. ठीक है सर, इनमें पूरे नंबर आ जाते हैं इंशाल्लाह. लेकिन इसमें मैंने पहले भी बताया इमरान कि हो ये रहा है कि आज मैंने दोनों जो क्वेश्चंस किए हैं वो देखने में बड़े फैसिनेटिंग और बड़े इजी लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से ना नंबर कटवा बैठते हैं बच्चे बड़े बहुत ज्यादा. तो इसलिए मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को फन लेना तो फन लो, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी करो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको आसानी से नंबर दे सकते हैं और ये नंबरिंग वाले हैं. अगर हम आज दोनों क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 4 क्वेश्चंस आने हैं, ईच क्वेश्चन हमें ऑन एवरेज 5 मार्क्स देता है, तो 4 क्वेश्चन से हमें 20 नंबर मिलते हैं, और 20 नंबर बहुत ज्यादा मार्क्स हैं पीटीई में. तो आपने क्वेश्चंस की प्रेपरेशन को कैजुअली लेना कोई भी हो. बाकी इसमें एक मेन चीज थी जो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो आई थिंक अब क्लियर हो जाना चाहिए. उसमें कोई इश्यू है किसी भी किस्म का तो आप काइंडली पूछ लें, नहीं है तो फिर इंशाल्लाह जो है वो कल जो है वो हम लोग क्लास लेते हैं. समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे के कितने मार्क्स हैं वो नहीं. समराइज रिटन टेक्स्ट 10 नंबर का है और एसे 20 नंबर का है. ठीक हो गया.
मैं आपके क्वेश्चंस का वेट करूंगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। एक्चुअली क्लास ऑलरेडी ओवर हो रहा है तो मेरी नेक्स्ट क्लास है। सर ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी? जी बिल्कुल सर, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी अभी, मैंने क्योंकि मैं लेट था तो मैंने। बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप 5 मिनट बाद फेसबुक के पेज पे आपको मिल जाएगी। और क्लियर है सर? ठीक है, कोई इशू कोई चीज? थैंक यू सर। ठीक है, तो इमरान आप वीडियो देखेंगे आज और उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, अगर आपको टाइम चाहिए जल्दी तो आप मुझे आज ही बताएंगे ताकि मैं कल उस लिहाज से स्केड्यूल करूं। ओके सर, ओके। सर एक क्वेश्चन है, वो जो आपने वो ऐसे राइटिंग या जो आज प्रैक्टिस मुझे करवाई, अगर उसकी मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाए तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी अवेलेबल, ये Zoom पे शेयर नहीं हो जाती ये अभी रिकॉर्डिंग? नहीं वो चीज वो नहीं होगी, वो रिकॉर्डिंग नहीं थी आज। चलें ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।